हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको बारीकी से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल यहाँ पर है 800 का 10% क्या होता है, ठीक है ना, प्रतिशत, ठीक है ना। मतलब क्या है कि 800 रुपया का कोई जीन्स है और 10% उसका क्या है, छूट है। तो यानी कितना छूट हो रहा है, ठीक है ना। यदि आप किसी दुकानदार के पास गए मार्केट और उन्होंने कहा कि ये जो है ना 800 का शर्ट है, ठीक है ना, शर्ट का मूल्य कितना है, 800 है, लेकिन इसमें हम आपको 10% क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 10% छूट कितना होगा, है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 200 है, 200 में आपको 40% क्या छूट है, यानी 200 का 40% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, 700 का 30% कितना होगा। तो आज हम लोग प्रतिशत को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 800 का 10%, तो इसको लिखेंगे हम लोग बराबर 800 का मतलब गुना, का मतलब गुना, और 10% जैसे हटेगा ना तो बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। तो यहाँ देखिए 20 से 20 कट गया। तो यहाँ पर 8 को अब 10 से क्या करेंगे, गुना, तो कितना हो जाएगा 80। मतलब 80 रुपया छूट है, कितना है, 80 रुपया। 800 का 10% कितना छूट होता है, 80 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग 200 का 40% कितना होता है ये निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बराबर देना है 200 का मतलब गुना 40% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 कट गया। अब 2 को 40 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 80 रुपया छूट हो जाएगा। 200 का 40% कितना होता है, 80 होता है। 200 का 40% 80 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 500 का 20%, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 500 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, 20% चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 00 कट गया। अब 20 को 5 से गुना कर दीजिए तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब 100 रुपया, ठीक है ना। 500 का 20% छूट है, मतलब 100 रुपया छूट है, यानी 500 रुपये आपको नहीं देना है। कितना देना है आपको, 500 रुपये में से 100 रुपये माइनस कर दीजिए तो 400 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी शर्ट का दाम आपको 500 रुपया बता रहा है दुकानदार और बोल रहा है कि 20% यहाँ पर क्या है, छूट है इस शर्ट में। तो आपको छूट निकाल लेना है, कितना हुआ, 100 रुपया हुआ। अब 500 रुपया में से 100 रुपया माइनस कर देंगे तो 400 रुपया, यानी दुकानदार को उस शर्ट का आपको 400 रुपया ही देना है, ठीक है ना, कि 500 रुपया देना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, यदि आपको प्रतिशत निकालने के लिए मालूम रहेगा तभी तो चलिए आप लोग बड़ी गौर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर अगला सवाल है 700 का 30%, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना है बराबर 700 का मतलब गुना 30% जैसे हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 100, ठीक है ना। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 00 से 00 कट गया। अब गुना कर दीजिए तो 7 को 30 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है ना, यानी 210 रुपया छूट है। 700 का 30% कितना होता है, 210 होता है, ठीक है ना। आप लोग के लिए HW में क्वेश्चन देते हैं जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 1500 का 30% कितना होता है, 1500 का 30% कितना होता है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि पता चले कि आप लोग को प्रतिशत निकालना अच्छे से आ गया हो और आप लोग अच्छे से सीख गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।